आप सबको मिलने के लिए और गणपति बापा के दर्शन के लिए एक खास मेहमान आए हैं। कौन? वो आप सबको बहुत प्यार करते हैं, वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। कौन? और आपको भी मिलके गर्व होगा, तो उनको बुलाता हूँ। ऐसा तो कौन स्पेशल मेहमान होगा? पता नहीं। गणपति बापा एक मिनट, फिर आरती शुरू करते हैं। एक दो मिनट। तो बजाओ ढोल। कौन आ रहा है? अरे आशीष भैया कौन है ये लोग? ये तो रेसलर्स लग रहे हैं। नहीं नहीं मतलब साहब कुश्तीबाज लग रहे हैं। जेठालाल रेसलर्स मतलब कुश्तीबाज? हाँ वही वही, आप अंग्रेजी में बोला मैं हिंदी में बोला। अरे भाई थोड़ी शांति रखिए, अब भी दो मिनट में वो आएंगे। बापू जी गोकुलधाम में। आई आई आई। अमन शेरावत जी, आपका गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। थैंक यू। अमन शेरावत जी कुश्ती के दुनिया के अनमोल रतन है। 2024 की ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में हमारे भारत देश का गौरव बढ़ाया है। खेल जगत का इतना बड़ा सितारा हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में, एक अत्यंत कुशल रेसलर। और एक खास बात, अमन शेरावत जी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को बहुत प्यार करते हैं, तो आप सबको मिलने के लिए और गोकुलधाम के गणेशोत्सव में गणपति बापा के दर्शन के लिए वो स्पेशल मुंबई बधा रहे हैं। तो आइए अमन शेरावत जी गोकुलधाम के गणपति बापा की आरती करते हैं। गणपति बापा करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव रत्न खचित फरा तुज गौरी कुमरा चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा हिरे जड़ित मुकुट शोभ तो बरा ऋण झुणती नो पूरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव। गणपति बाप्पा बोला गणपति बाप्पा।
देख सकता हूँ? हाँ जी, क्यों? ओह वाह वाह, पेरिस 2024 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, वाह वाह, देखिए देखिए। भारत माता की जय, अमन शेरावत जी का जय। अमन जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपको बधाई देता हूँ और आने वाले ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। चाचा जी आशीर्वाद दीजिए। अरे 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 बेटा, मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही है, है? हमेशा हंसते रहो, खूब मेहनत करो, खूब मेडल जीतो और हमारे भारत देश का नाम रोशन करते रहो। थैंक यू चाचा जी। जेठालाल को मत डांटिएगा। हाँ, वो शरारती ऐसे करते रहता है ना, वो मस्ती कम करेगा तो मैं उसे ले डांटूंगा। वो सब कैसे हैं आप सब? एकदम मजे में, और अभी आपको देख के डबल मजे में। आप सबको देख के मैं बहुत खुश हो गया। पूछे ना, आप भी गांव आइए, खूब मस्ती करेंगे, मैं आपको कुश्ती सिखाऊंगा। यस बीड़े भाई, आप गोकुलदास सोसाइटी के नहीं पूरी दुनिया के बेस्ट सेक्रेटरी हैं। अरे वाह, थैंक यू अमन जी। सुना ना? हाँ हाँ हाँ, अमन जी आपकी शादी हो गई है? नहीं नहीं भाई, मेरी शादी नहीं हुई है। तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी? नहीं नहीं भाई, अभी तो मैं सिर्फ कुश्ती पर ही ध्यान देता हूँ। लेकिन शादी के लिए रिश्ते तो बहुत आते होंगे आपको। मैं उसी पर ध्यान ही नहीं देता, मैं सिर्फ कुश्ती पर ध्यान देता हूँ। बराबर है अमन बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना है, कुश्ती पे ही ध्यान देना और खूब नाम कमाना। अमन जी, मैं क्या कह रहा था, आप तो अभी ध्यान नहीं दे पा रहे शादी के लिए क्योंकि आप अभी बहुत बिजी है, और मैं बरसों से अपने लिए एक सुकन्या ढूंढ रहा हूँ, तो अगर आपके ध्यान में कोई सुकन्या हो मेरे लायक तो जरा प्लीज बताइएगा। आप गाँव आइए, आपको एक से एक पहलवान लड़की से मिलवाता हूँ। अगर शादी करनी है तो आपको ही पहलवान बनना पड़ेगा। ले ले तो जा। ना, वो तो बन जाएगा, उसमें क्या है? अगर तुम्हारी शादी किसी पहलवान लड़की से हो गई और गलती से उसे तुम्हारी किसी बात का बुरा लग गया तो वो तुम्हें पटक देगी, दो चार हड्डियां टूट जाएगी तुम्हारी। पोपटलाल, तुम हड्डियों की चिंता मत करो, हड्डियों को जोड़ने के लिए मैं हूं ना। बस तुम पहलवान बनने की तैयारी करो। अरे अमन जी, अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं भी कोशिश करूंगा एक अच्छा पहलवान बनने की। अमन जी, आपकी बॉडी गजब है, कमाल है, तो मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए ना ऐसे डले शले बनाने के लिए। 1000 पुशअप, 50 रस्से, उठक बैठक, जोर दौड़, सब कुछ करते हैं, मतलब और भी जो छोटी मोटी एक्सरसाइज है सब मिला के 5-6 घंटे कर लेते हैं। 6 मिनट कुश्ती लड़ने के लिए 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और स्टिक डाइट लेते हैं। जेठा भाई, आप भी पुशअप करो सुबह। क्या आप कुछ खास डाइट फॉलो करते हैं? डाइट दूध दही घी और बादाम, सेब, लंच में रोटी दाल रायता। आप समोसे, लड्डू, कचोरी ये सब खाते हैं? लड्डू की तो बात छोड़ो, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। देखा सुना बच्चों? हाँ। तू बच्चों को क्या बोल रहा है, तू खुद जलेबी फाफड़ा ठूसता है। हाँ, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ बापूजी, इसलिए तो बच्चों को कह रहा हूँ। सुना तारक, फिट रहने के लिए इन सब चीजों से दूर रहना पड़ता है। हाँ अंजलि, लेकिन मुझे कहाँ पहलवान बनना है? असित भाई, मुझे आप सब मेरे परिवार का हिस्सा लगते हैं। अमन जी, हम सब एक परिवार तो है, हंसी खुशी का परिवार। सही बात है। इस सुनहरे मौके पर मैं 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। अरे हाँ, नहीं है, नहीं है। हे भारत माँ, हम तेरे बेटे हैं, हर सांस के साथ तेरा नाम लेते हैं, दिन रात बहाते हैं खून पसीना, तेरे सम्मान के लिए जी जान लगा देते।
कोई मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। भाई तू जो भी बोले ना वो समझ के बोलना है, प्लीज। बड़े मेहमान आए हैं। आशित अंकल आप सुनिए तो सही, आपको भी मजा आएगा और इन्हें भी मजा आएगा। ओए बाबा तो बोलो। अरे भाई पहले तू बोल तो सही, फिर बाद में वाह वाह बोलते हैं ना। ओए हंसते हैं लोग तो जहां में होता है अमन। वाह 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 वाह। ओए हंसते हैं लोग तो जहां में होता है अमन, अमन से खिलता है चमन, चमन से झुकता है गगन। ओ मैं तो कहता हूँ गणेश जी की भक्ति में हम सब हो जाते हैं मगन। हाँ मेहता साहब वाह, आपने और एक कवि खड़ा कर दिया गोकुलधाम सोसाइटी में। थैंक यू गोगी, आप क्यों डांट रहे थे तो बहुत बढ़िया बोला। सच में अमन जी आप तो इंडिया के प्राइड हो, और आपको देखकर ना तो मेरा मन भी कुछ दिन करने का हो रहा है। आ जाओ फिर हो जाए एक हाथ। नहीं मेरा सिर्फ मन हो रहा है, और मन तो बहुत कुछ करने का होता है लेकिन तब कुछ कर नहीं सकते है ना। बराबर है। क्या बराबर है? अभी आपने जो बोला वो बराबर बात बोली आपने, कि मन तो बहुत कुछ करने का हमेशा होता है लेकिन हम सब कुछ कर नहीं सकते ना। तो हमारे एक में उस सेक्रेटरी भिड़े भाई आपको एक रिक्वेस्ट है, हमारी सोसाइटी में एक अखाड़ा भी बनाओ। अमन भाई जब भी मुंबई आएंगे सबको कुश्ती सिखाएंगे और मजा करेंगे, है कि नहीं? क्यों नहीं जी। नहीं है अखाड़ा है, क्या है ना अमन जी, महीने के आखिर में जब मैं सबसे मेंटेनेंस मांगता हूँ ना तो ये कुश्ती का अखाड़ा ही बन जाता है सोसाइटी। सबसे सबसे मतलब कुछ कुछ लोगों से। कुछ कुछ लोगों में कौन कौन है भाई? तुमको क्या इतना जानने का रस है पोपटलाल, छोड़ो ना भाई, ये तो इधर ये भी कुश्ती हो जाएगी। वो सड़ो गोकुलधाम ना हंसी खुशी और मौज मस्ती का अखाड़ा ही है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। आप एक हमारे देश के हरियाणा के छोटे से गांव से आते हैं और इतनी कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतना बहुत बड़ी बात है। आपने हमारे हर भारतवासियों का सीना चौड़ा कर दिया है। ये सब देशवासियों के प्यार और भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। मेरे परिवार ने ही बहुत मेहनत करी। भाई हमारे देश में ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं और क्रिकेट का ही बोलबाला है, और इसी वजह से गांव के जो खेल खेले जाते हैं लोग उसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन खेलों को प्रमोट करें। बराबर। अमन जी आप हमारे बच्चों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हो। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कोमल भाभी, हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। आपकी जैसे मेहनत और लगन हो तो कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रह सकता। यस सही बात है। आप अपनी लाइफ की अब तक की जर्नी के बारे में कुछ बताइए ना। बचपन में तो हम एक छोटे अखाड़े में वैसे खेलने जाया करते थे, उसमें बच्चे मिट्टी में करते थे। तो एक दिन मैंने पिताजी से कहा कि मैं पहलवानी करूंगा, तो फिर पिताजी सोचे कि भाई गांव के अखाड़े में तो मतलब बड़े लेवल पर नहीं जा सकता, यहाँ से तो मतलब अच्छे सेंटर नहीं है वहाँ। तो फिर वे सोचे कोई अच्छे सेंटर में चलेंगे, तो फिर सुशील पहलवान जी और सतपा पहलवान जी का नाम सुना था, अक्षत स्टेडियम में रहते हैं, तो मुझे भी मेरे पिताजी वहीं छोड़ के चले गए भाई अब मेडल आना ओलंपिक में कह के। तो फिर 5-6 महीने के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, मेरी मम्मी 2013 में एक्सपायर हो गई थी। फिर मैं थोड़े दिन तो मतलब वैसे रोता था, प्रैक्टिस करता था। फिर मेरा भाई मिला मुझे सागर वहीं पर, फिर वो मतलब साथ में अपने साथ रखने लग गया मुझे। ताऊ जी ने बड़े भाई ने भी पूरी मदद की थी, वैसे खुद एक टाइम रोटी खाते थे पर मेरे लिए पूरी डाइट भेजते थे। तो मतलब पूरा वो था, एक बहुत बुरा टाइम देखा था मतलब उस समय। फिर यही टारगेट बना लिया बस देश के लिए तो ओलंपिक में मेडल लाना और परिवार की स्थिति ठीक करनी है। कभी मायूस हो जाता था, कभी थक जाता था, फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था और फिर पहलवानी में के लिए मेहनत शुरू कर देता था। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। एक सफलता के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है। वाह अमन जी वाह, जिस तरह से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं
इतना बड़ा मेडल जीतने के बाद भी बहुत बड़ी बात है। जब इंसान कामयाबी के राह पर चलता है और सफल हो जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जलन होती है उनको, लेकिन कभी भी उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ अपना काम करेगा, अपने लक्ष्य से जुड़े रहो और कुश्ती से कभी भी मन डाइवर्ट मत करना। बिल्कुल बिल्कुल आशीद भाई। यस। तभी एक बात बताइए, आपके शौक क्या है? शौक तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना और कुश्ती करना, दो ही शौक हैं। वाह वाह, थैंक यू अमन भाई, थैंक यू, आपने तो हमारा एकदम आज दिल एकदम आपके प्यार से भर दिया। तो अमन शेरावत जी, आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए और आप हम सबको इतना प्यार करते हैं, तो उसकी याद के लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं। चांदी चांदी का है? अरे शुद्ध चांदी का है। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे जैसे सभी बच्चों का सपना पूरा हो। अरे वाह, बिल्कुल अमन जी, फल की इच्छा ना करते हुए जो इंसान अपना कर्म करते रहता है उसको फल मिलता ही है। सही बात है। आसिद भाई, ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि आप अमन जी को गोकुलधाम सोसाइटी में लेकर आ गए। अरे वो खुद गोकुलधाम सोसाइटी में आना चाहते थे, सबको मिलना चाहते थे। तारक मेहता का एपिसोड टीवी में देखता था, आज मतलब यहाँ पर आकर सभी कलाकारों से मिला तो बहुत खुशी हुई। तो अमन शेरावत जी, हो गए ना सबसे मुलाकात, गणपति बापा के दर्शन भी हो गए, तो अभी चले। ओए अमन जी, ओ ऐसे कैसे जाने देंगे सुखे सुखे, और तोड़े आने की खुशी में वो पगड़ा सगड़ा हो जाए यार। नाचेंगे भी और गरबा भी करेंगे, बजाओ ढोल। गणेश देवता, मेरे और मेरी टीम पर आपके आशीर्वाद बनाए रखना, हम रोज नई नई कहानी दर्शकों के सामने ला पाए और उनका मनोरंजन करते रहे। आप 16 साल से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में पधार रहे हैं, आप ऐसे ही अगले साल भी खुशी से आना और हम पर आशीर्वाद बरसाते रहना। हमारे न चाहते हुए भी कुछ बदलाव आ जाते हैं, कुछ कलाकार बदल जाते हैं, सबको हंसाने के लिए जो आपने हमको निमित्त बनाया है बस वो पूरी कोशिश करते रहेंगे। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को ऐसे ही खुश रखना। जब आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता और आपने कहा कि मैं फ्री टाइम जब होता था, कुश्ती से फ्री हो जाता था, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता था, ये सुन के तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। प्रैक्टिस तो फ्री हो जाते जब तारक मेहता का एपिसोड ही देखते थे, मतलब तो सारे जितने भी मैंने तो सारे देख रखे हैं, अभी भी जो लेटेस्ट आ रहे हैं ये भी देखता हूं मैं तो डेली। अंदर से बहुत खुशी होती है, एक आधी बात रात को मैं सोता हूं तो साइड वाला जगाता हूं, भाई तू क्यों हंस रहा, रात को भी सोने तो दे। हमारे दर्शकों को हंसाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और जब कोई हंसता है और कहता है कि हमको बहुत अच्छा लगा आपका एपिसोड, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू अमन शेरावत जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबसे मिलवाया। ऐसे ही आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहो, हंसते रहो।
और देश के लिए और भी मेडल और ऊंचे से ऊंचे मेडल जीतते रहो। और गांव में हमारी सबकी याद देना। गांव में एक दिन आ पाना सबसे में। लेकिन हमको पटक मत देना भाई। चलो शुक्रिया। आप सब भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और आप भी कुश्ती करिए और हंसते रहिए, सबको पटकते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों, हमारे गोकुल धाम के गणपति बापा की महिमा चारों तरफ फैली हुई है। आज श्री असित कुमार मोदी जी के साथ ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत जी आए थे और उन्होंने हमारे गणपति बापा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद दिया और साथ में कई सारी प्रेरणादायक बातें भी कही। हमें कभी भी मुसीबतों से, तकलीफों से डरना नहीं चाहिए। जो बुरे वक्त से टक्कर लेता है उसी का वक्त बदलता है। वैसे हमारे गोकुल धाम के बप्पा सुपरस्टार से कम नहीं है। उनके दर्शन के लिए कहां कहां से लोग आते हैं, आम आदमी से लेके फिल्म स्टार भी। आज अमन जी आए थे और सोमवार को एक खास मेहमान आने वाले हैं। अब ये खास मेहमान कौन है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, इसके लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। गणपति बप्पा मौर्या।